हेलो टेक चार्जर्स। तो हफ्ता खत्म होने जा रहा है अपनी कुछ आखिरी टेक न्यूज के साथ और उन सबको समेट के लेके आ गए हैं आपके लिए आज के एपिसोड में। तो लास्ट तक देखिए वीडियो। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। वेलकम बैक दोस्तों। इस हफ्ते के आखिरी एपिसोड की शुरुआत करते हैं सबसे पहली खबर से, जो कि है बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के बारे में। कंपनी ने इंडिया में ओपन बीटा वर्जन अवेलेबल करा दिया है प्ले स्टोर पर, जिसको इंस्टॉल किया जा सकता है। लेकिन फिर भी इस पर बैन की तलवार अभी हटी नहीं है, क्योंकि CAIT जो कि कन्फेडरेशन है ऑल इंडिया ट्रेड की, उसने डिमांड की है IT मिनिस्ट्री से कि इस पर बैन रखा जाए, क्योंकि इसको इंस्टॉल कराना मतलब जो भी यूजर हैं उनकी सिक्योरिटी, उनके पर्सनल डेटा पर एक तरह का खतरा ही है। लेकिन दोस्तों उन्हें क्या मालूम कि गेमर्स के दिल पर क्या गुजर रही थी जब से यह बैन हुआ था। देखते हैं दोस्तों कि गवर्नमेंट किन किन का ख्याल रखती है, क्या ट्रेडर्स जो हैं उनकी डिमांड मानी जाती है या फिर यूजर्स की डिमांड मानी जाती है। जो भी होगा दोस्तों आने वाले दिनों में साफ होगा। बढ़ते हैं इस बार अगली खबर की तरफ। गूगल मीट पर कुछ नए फीचर्स मिलने जा रहे हैं, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट है हैंड रेज फीचर, जिसमें कि जब कॉन्फ्रेंस चल रही होती है तो जो होस्ट है उसको कैसे पता चलेगा कि पूरी कॉन्फ्रेंस में से जितने भी लोग पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें से कौन कोई सवाल पूछना चाहता है, अपना हाथ उठा रहा है। वो तो इस तरह के कुछ एनिमेशन मिलने वाले हैं जो कि बहुत ही इजी होंगे, ताकि उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। और साथ में जो नोटिफिकेशन साउंड है उसको भी कुछ इंप्रूवमेंट और उसमें भी कुछ नयापन हमें देखने को मिलेगा। अब ये सारे जो फीचर्स नए आने जा रहे हैं वो जूम को और भी ज्यादा कड़ी टक्कर देने के लिए कंपनी ला रही है। बाकी कितने दिनों में इसको रोल आउट करती कंपनी यानी कि गूगल, इंतजार करते हैं दोस्तों। कुछ भी पता चलेगा आपको आने वाले वीडियो में जरूर बताएंगे। इसके बाद अगली खबर है रियलमी नर्जो 30 सीरीज के बारे में। 24 जून को इंडिया में लॉन्च होने जा रही 4G 5G दोनों ही वेरिएंट कंपनी लॉन्च करेगी। 4G में हमें मिलेगा MediaTek G85 प्रोसेसर। यहां पर आपको बताने वाली बात यह है कि 24 जून को लॉन्च से पहले ही फ्लिपकार्ट पर फोन की अवेलेबिलिटी यानी कि ये फोन लॉन्च होते ही आपको सेल में मिल जाएगा फ्लिपकार्ट पर, मौजूद हो गया है। इसका लाइव सपोर्ट पेज भी कर दिया गया है, अगर आपको चेक करना है तो फ्लिपकार्ट पर जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगली खबर है पोको F3 GT स्मार्टफोन के बारे में। US के अंदर FCC सर्टिफिकेशन पर यह फोन स्पॉट किया गया है। वैसे एक बात और बता दूं आपको, इंडिया के अंदर भी इसके बारे में चर्चा चल रही है कि जल्दी ही ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है, जिसमें कि MediaTek Dimensity 1200 चिपसेट कंपनी दे सकती है। Wi-Fi 6 सीरीज सपोर्ट के साथ में ये फोन लॉन्च करेगी कंपनी। अब US में पहले फोन लॉन्च होगा या फिर इंडिया में, अभी कहीं की भी डेट दोस्तों कंपनी की तरफ से अनाउंस नहीं की गई है। रूमर हर जगह के चल रहे हैं, देखते हैं दोस्तों सबसे पहले कौन सी कंट्री में ये फोन दस्तक देता है। अब चलते हैं स्वागत अगली खबर की तरफ। सैमसंग ने गैलेक्सी टैबलेट सीरीज यानी कि गैलेक्सी टैब सीरीज के S7 और A7 के दो नए मॉडल्स इंडिया में लॉन्च किए हैं। S7 का फैन एडिशन और A7 लाइट, इन दोनों ही टैबलेट्स की सेल 23 जून से इंडिया में शुरू होने जा रही है। यहां पर आपको बता दूं कि S7 का जो फैन एडिशन है इसमें दो आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे, 4GB और 6GB रैम का, इसके अलावा 128 और 64GB इंटरनल स्टोरेज का, जिसकी प्राइस 46,000 रुपए से शुरू हो रही है। दोनों ही मॉडल जो S7 का फैन एडिशन है इसमें आपको वाईफाई के साथ साथ 4G LTE ऑप्शन भी मिलेगा, जबकि A7 लाइट जो वर्जन है इसकी प्राइस 11,999 रुपए इंट्रोड्यूसरी है, बाद में इसको 14,999 रुपए में परचेज किया जा सकेगा। फिलहाल आपको बता दूं इसमें सिंगल आपको स्टोरेज मिलेगा 3GB और 32GB इंटरनल स्टोरेज का। चार कलर ऑप्शन आपको दोनों ही मॉडल में मिलेंगे, जिसमें कि पिंक, ग्रीन, ब्लैक और सिल्वर शामिल है। खबर है रियलमी के आने वाले नए एयरबड Q2 के बारे में। ये एयरबड इंडिया में 24 जून को नर्जो 30 सीरीज और स्मार्ट टीवी के साथ में ही लॉन्च किए जा रहे हैं। अप्रैल के महीने में Q2 एयरबड्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं पाकिस्तान में। फिलहाल इंडिया में जो वर्जन आ रहा है वो बताया जा रहा है कि बट 2 एयर न्यू का ही रीब्रांडेड वर्जन है। इसमें 10mm का बेस बूस्ट ड्राइवर मिलने वाला है, साथ में गेम लेटेंसी आपको मोड भी मिलेगा, जिससे कि गेमिंग के टाइम पर आप और भी ज्यादा बेहतर एक्सपीरियंस हासिल कर सकेंगे। साथ में आपको यह भी बता दूं कि ट्रू वायरलेस होने के साथ साथ एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन भी फीचर आपको इसमें मिलेगा। इसके बाद अगली खबर दोस्तों आप सबके बेहद ही काम की है। कुछ साल पहले Xiaomi, Oppo और Vivo ने मिलकर एक अलायंस बनाया था म्यूचुअल ट्रांसफर
अलायंस जिसको MTA शॉर्ट में कहा जाता था, जिसमें कि इन तीनों ब्रांड्स ने आपस में भागीदारी की थी ताकि डेटा ट्रांसफर आपस में इंटर ब्रांड डिवाइसेस के बीच में भेजा जा सके 20 मेगाबाइट पर सेकंड की स्पीड से। लेकिन दोस्तों इसमें बाद में चलकर जब इसका लाइव वर्जन स्टेबल वर्जन आ गया उसके बाद और भी ढेर सारी कंपनियों ने जैसे कि रियलमी है, मीजू है, ZTE है, बहुत सारी कंपनियों ने भागीदारी अपनी दे दी, लेकिन सैमसंग अभी तक इससे बाहर था। अब जाकर सैमसंग ने भी हामी भर दी है और इस म्यूचुअल अलायंस के का हिस्सा एक बन गया है, यानी कि अब सैमसंग भी इन सारी डिवाइसेस के साथ में वायरलेसली डेटा ट्रांसफर करने का सपोर्ट दे सकेगा। और इन सारी खबरों के बाद आखिरी खबर भी सैमसंग से ही है। कुछ समय पहले सैमसंग ने अपना इन हाउस CPU जो प्रोजेक्ट है उसको बंद कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से जानकारी या र्यूमर कह लीजिए सामने आ रहा है कि सैमसंग पुराने जो फॉर्मर एप्पल और AMD के जो इंजीनियर्स हैं उनको हायर कर रहा है ताकि एक बार फिर से कस्टमाइज CPU को डिजाइन किया जा सके। अब सैमसंग ये स्पेशली किस अपनी डिवाइस के लिए CPU को कस्टमाइज दोबारा से डिजाइन कराना चाहता है, क्या स्मार्टफोन्स के लिए या फिर अपने आने वाले PC लैपटॉप्स वगैरह के लिए, यह भी दोस्तों क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अगर पुराने जो इंजीनियर्स हैं, जो फॉर्मर इंजीनियर्स हैं एप्पल जैसे ब्रांड के, अगर उनको हायर किया जा रहा है तो उसके पीछे का मकसद दोस्तों बहुत ही वाइड होगा, बहुत ही विशाल होगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक रखिए दोस्तों अपना ख्याल, जुड़े चलो साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद।